अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कल हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रा किया जाता है। तो आज हमने अगेन चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही ड्रा करना है, लेकिन आज हम एक चार्ज नहीं लेंगे बल्कि दो चार्ज को इकट्ठे रख देंगे और फिर हम ड्रा करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रा होती हैं। तो इसके दो तीन केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है उसमें क्या लेना, आपने चार पॉइंट याद रख लेने हैं। उसमें आपने दो चार्जेस लेने हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, और दोनों चार्ज की नेचर क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। और इसके बाद चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, सेम। सो पॉजिटिव चार्जेस हैं कितने, टू हैं क्या, पॉइंट, और हैं भी कैसे, आइडेंटिकल। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और दोनों हैं भी कौन से, पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रेडियल होती है आउटवर्ड, तो यहाँ पे तो ये थोड़ी ऐसे मुड़ गई है और ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई है, तो ये लाइनें ऐसे सीधी सीधी क्यों नहीं बनाई, ये सवाल जेन में आता होगा। तो आंसर है, पहले सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता था, अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसके बिल्कुल उसके बिल्कुल करीब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट एक दूसरे पर आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस तरह की नहीं रहेंगी जब वो सिंगल या आइसोलेटेड चार्ज था। तो ये लाइन्स ऐसे क्यों मुड़ गई, इसका मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में F1, और दूसरी फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में F2। तो मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इसका तरीका होता है जो कि हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाई पैरेललोग्राम मेथड। तो आपने इन दोनों वेक्टर्स की क्या बना लेनी है, पैरेललोग्राम, और यहाँ से जो वेक्टर खींचेंगे आप, ये वाला वेक्टर जो है इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। आपने हेड टू टेल रूल भी पढ़ा है दो वेक्टर को जमा करने का, तो ये मैंने आपको कौन सा रूल सिखा दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाई पैरेललोग्राम मेथड। एक और हम एडिशन करके देखते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर को अमल कर रही है F1 और एक फोर्स इधर को अमल कर रही है F2। मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स किधर बनेगी। तो आपने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेने के लिए इसके सामने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और एक लाइन इसके सामने ड्रा कर लेनी है। ये क्या बन चुकी है आपकी, पैरेललोग्राम। तो यहाँ से जो वेक्टर खींचेंगे ये इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बात समझ गए। इसी तरह ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की होती है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह की होती है जब ये आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के असर में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी ली जाएगी, दोनों चार्जेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। आपको पता है इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और इस चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है ना। इसकी भी मैंने रेडियल बना दी, इसकी भी रेडियल बना दी। तो अब इस पॉइंट पर ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट हम इस तरह लेंगे, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इस अकेले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस अकेले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों जमा करके इकट्ठे करके हम बनाएंगे तो रिजल्टेंट ये बनेगा, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धार की जाएगी। इधर भी कुछ ऐसे हुआ कि ये पॉइंट था, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी रेडियली आउटवर्ड, और इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे रेडियली इस तरफ थी। तो जब हमने इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जब हमने इस पॉइंट पर रिजल्टेंट बनाया तो इस तरह बना। तो बात समझ गए, जब अकेले हैं तो रेडियली आउटवर्ड बनेगी, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो गए तो दोनों की फील्ड का
हर पॉइंट पर रिजल्टेंट लिया जाएगा, तो जिधर रिजल्टेंट फील्ड बनेगी उस तरफ हम लाइंस को ड्रा करेंगे। सो जब हमने हर पॉइंट पर इसकी फील्ड और इसकी फील्ड का रिजल्टेंट लिया तो लाइन जो थी वो इस तरफ ऐसे बेंट होगी। सो आपको याद रख लेना है, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो एक दूसरे पे असर दिखाते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो हर पॉइंट पर दोनों की जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी उन दोनों का हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट। जब रिजल्टेंट लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। बात समझिए कि नहीं, ये वाली लाइन स्ट्रेट रहेंगी, ये वाली लाइन क्या रहेंगी, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्यों रही, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इस तरफ, और इसी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहुंची थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी इसी तरफ पहुंची थी। तो एक वेक्टर इधर दूसरा भी इधर, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, स्ट्रेट। अब इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर इधर दूसरा भी इधर, तो रिजल्टेंट भी इधर। लेकिन ये वाली सिचुएशन में, ये वाली जगह पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती थी, लेकिन रिजल्टेंट जो था ऐसे बन रहा था। हमने हर हर पॉइंट पे ऐसे दोनों की फील्ड को जमा किया, जमा करके हमने जब बनाया तो लाइंस की डायरेक्शन इस तरह की बनी। और ये लाइंस कैसी हो जाती हैं, कर्व्ड लाइंस। सिंगल के लिए स्ट्रेट लाइन, दोनों इकट्ठे हो जाए तो लाइंस कैसी आती हैं, कर्व्ड लाइंस। और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है, ये स्पेशल पेपर में पूछा जाता है, ये पॉइंट क्या है। तो सुनिए, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पहुंची होगी और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे पहुंची होगी और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे पहुंची होगी। तो ये पॉइंट जितना इससे दूर है उतना ही इससे दूर है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। तो जब कैंसिल कर देंगे तो ये वाला जो मिडल में पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो आंसर है जीरो। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो बच्चों उस पॉइंट को हम दो नाम देते हैं, इस पॉइंट को न्यूट्रल जोन भी कहते हैं या इस पॉइंट को जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं। जीरो क्यों हुई, अकेले चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, ये अकेला होता तो इसकी इधर होती, लेकिन जब दोनों इकट्ठे आए तो इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसल। तो ये बिल्कुल मिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। सो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट, या इसको हम फील्ड फ्री स्पॉट भी कह देते हैं, या फील्ड फ्री पॉइंट भी कह सकते हैं, या फील्ड फ्री रीजन भी कहा जा सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रख लेना है। तो अब हम फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए है, सुन लें। उसमें आपने लेने हैं टू, पहला पॉइंट क्या लेने हैं, टू अपोजिट चार्जेस लेने हैं, और कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो क्या लेना आपने बोलो, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेना है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेना है, और क्या चीज है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करके देखते हैं। तो जब यहां पर लाके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ा गया या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट लिया गया, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। आप सवाल पूछेंगे पॉजिटिव से क्यों निकल के जा रही हैं, तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को बनती हैं, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड बनती हैं। लिहाजा जब यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हमने कंबाइन किया, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब रिजल्टेंट लिया, तो रिजल्टेंट लेने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस शेप में आई। एक बात याद रखिएगा, यहाँ ये लाइन स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रेट क्यों रही, पॉजिटिव की लाइन किधर है, इस तरफ, नेगेटिव की लाइन किधर है, इस तरफ, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर इसके बाद ये लाइन ऐसे बेंट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों का रिजल्टेंट लेंगे ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेते जाएं तो ये ऐसे बेंट हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, और इसे ऊपर जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। यहाँ एक पॉइंट याद रखना है,
यहाँ पर लाइन की स्पेस कम होगी, यहाँ पर लाइनों का फासला बढ़ जाएगा, यहाँ पर और बढ़ जाएगा, यहाँ पर जाएं तो और बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है पॉइंट वन पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट टू पे ज़्यादा है, बोलो। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइंस को देख के पता चल जाता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आपने यूनिट एरिया यहाँ पे लाके रखा, कितनी लाइंस गुजर रही हैं इसमें से, तो आंसर है इसमें से तीन लाइनें, दो लाइनें गुजर रही हैं। यहाँ पे लाके रखा तो कितनी लाइनें गुजर रही हैं, एक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जितना आप इसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। सो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। दोनों की नेचर क्या है, अपोजिट। और दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप आपने अपने ब्रेन में फिट कर लेना है। पेपर में 2 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो आपने पॉजिटिव की और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देनी है। पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि दोनों पॉजिटिव आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो आपने इस तरह बना देनी है। पेपर में ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें, तो इस तरह आपने ड्रा कर लेनी है। तो लास्ट एक रह गया है, उसकी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे। आपके पास ना 2 प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करने जा रहे हैं, 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स जो हैं ये पैरेलल रखी हुई हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हमने क्या लेना है, 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स पैरेलल, सारे पॉइंट याद रखने हैं। ये लो, ये मैंने एक प्लेट बना दी, ये मैंने ऐसे दूसरी प्लेट बना दी। इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव। इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो आपको मैंने रूल बताए हुए हैं ये वाले सारे। आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है, वहां पे जाकर रख देना है, जिधर को वो जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज जब ला के रखेंगे, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, किधर जाएगा, इस तरफ, यहाँ रखेंगे इस तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे इस तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे इस तरफ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप बना लेते हैं। लेकिन जो इसके किनारे हैं, किनारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह बनती हैं और इस तरह बनती हैं, इस किनारे पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी और ऐसे बनेगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रा करके दी, किसके लिए, 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, पॉजिटिव से, और कहाँ पे जाके एंड हो रही हैं, नेगेटिव पर। तो ये भी आपने सारा मैप जो है याद रख लेना है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट है ए, इस पर ज़्यादा है, या ये जो पॉइंट बी है इस पर ज़्यादा है। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। क्या असूल है, यूनिट एरिया लेना है, वहाँ पे जाके रखना है, लाइनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइनों की तादाद गिन लो। तो मैंने यहाँ पे जाके रखा, तो यहाँ पे इसमें से लाइनें कितनी गुजर रही हैं, तो आंसर है यहाँ पे इसमें से 2 लाइनें गुजर रही हैं। और यही यूनिट एरिया को जब मैंने यहाँ पे जाके रखा, तो कितनी लाइनें गुजर रही हैं, यहाँ पे 1 लाइन गुजर रही है। तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हमें साफ पता चलता है कि ये वाले इलाके में लाइंस जो हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन जब हम किनारों पे जाते हैं, इन एजेस पे जाते हैं, तो एजेस पे लाइनें खुली हो जाती हैं। जब वो खुली हो जाती हैं लाइंस, तो लाइनों का रश कम हो जाता है। जब लाइनों का रश कम हो जाएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। पेपर में एमसीक्यू पूछ सकता है कि प्लेटों के दरमियान मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या एजेस पर ज़्यादा है, तो आंसर है मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। ना समझ गए। इन लाइंस के बारे में एक कंसेप्चुअल सवाल भी है, जो कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होना है, जो कंसेप्चुअल सवालों पर मुश्तमिल होता है, उस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। लास्ट चीज़ जो इस आर्टिकल के बारे में रह गई है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है, शॉर्ट में पूछ लेता है,
तो आपने इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से सुन लेना है। बुक में 4 से 5 प्रॉपर्टीज हैं, मैंने यहाँ 7-8 डिस्कस कर ली हैं, तो आप अपनी बुक वाली याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इनफ है। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस की सुन लो, इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रोफील्ड लाइन, पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव पे एंड हो गई। देखो इससे कोई बाहर निकली, बाहर तो कोई नहीं निकलती, नेगेटिव से कोई लाइन बाहर नहीं निकलती, इसका मतलब यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे एंड होगी। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, एमसीक्यू बना सकता है, कौन से चार्ज से इलेक्ट्रोफील्ड लाइन स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, एंड किस पे होती है, नेगेटिव पे। ठीक हो गया जी, ये पहला पॉइंट। तो जिस चार्ज से निकलती है पॉजिटिव उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जिस चार्ज में जाके ये एंड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक। ये आपकी बुक में पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने याद रख लेना है। पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स मानते हैं यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज में चुके जाके ये एंड हो जाती है, इसलिए इसको हम सिंक कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी, फार पॉजिटिव पॉइंट चार्ज डी, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा और इलेक्ट्रोफील्ड कम हो जाएगी। ये कैसे होगा बेटा, ये देखो, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा लाइनों का रश कम होता जाएगा और इलेक्ट्रोफील्ड की स्ट्रेंथ भी वीक होती जाएगी। ये बेटा दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है। तीसरा पॉइंट, टेंजेंट। मैंने आपको बताया है अगर इलेक्ट्रोफील्ड लाइन स्ट्रेट हैं तो जिस तरफ इलेक्ट्रोफील्ड लाइन्स हैं उसी तरफ इलेक्ट्रोफील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर लाइन्स कर्व्ड हैं तो फिर जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रोफील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है उस पॉइंट पर आपको एक लाइन ड्रा करना पड़ेगी, जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और वो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफील्ड की डायरेक्शन होगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्मूथ। जो आपकी इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस हैं ये स्मूथ होती हैं। स्मूथ का मतलब मैं आपको बताता हूं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो आपने देखा ये लाइन में कोई कॉर्नर नहीं बना, कोई कोना नहीं बना, कोई नुक्कर नहीं बनी, ये स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, इसमें नुक्कर बन गई, ये क्या है, कॉर्नर वाली, इसको स्मूथ नहीं कहेंगे। तो जो आपकी इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस हैं वो स्मूथ होती हैं, नो कॉर्नर, इलेक्ट्रोफील्ड लाइनों में कॉर्नर नहीं बनेगा, देख लें सारी लाइनें ऐसे स्मूथ हैं, किसी में कोई कॉर्नर कोई नुक्कर नहीं बनी। पेपर में सवाल पूछ सकता है कि इसमें क्या गलती है, सवाल दे दिया कि ये मैंने मैप बनाया है क्या गलती है इसमें, तो आपने कहना इसमें ये गलती है, ऐसा बनाना अलाउ नहीं है, ऐसी इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस नहीं बनती। नॉट क्रॉस, अच्छा जी, इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इस पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, मैं इसको एंड पे डिस्कस करूंगा। हैव एरोस, जो हम इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस बनाते हैं ना उनके एरोस बनते हैं, क्या बनते हैं, एरोस। ये देखें जितनी भी लाइंस लगाई हैं मैंने, इनके क्या लगाए हुए हैं, एरोस लगाए हुए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होते हैं, अगर अकेला है तो आउटवर्ड होंगे पॉजिटिव के लिए, अगर अकेला नेगेटिव है तो एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, बात समझिए। अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हैं तो फिर एरोस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगली चीज, डिसकंटिन्यूअस, इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके पास मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैग्नेट है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ, इसकी इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, यहाँ से नॉर्थ से निकली फिर साउथ में गई, फिर साउथ से निकली नॉर्थ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ से निकली, तो इस तरह इसकी लाइंस ऐसी होती हैं, ये देखें ऐसे पूरी घूम रही हैं। और इसमें देखें इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो गई, क्योंकि इसके बाद निकली नेगेटिव से कोई लाइन बाहर निकलती, नेगेटिव से बाहर को तो नहीं निकलती कोई भी लाइन, सो इसमें पॉजिटिव शुरू होती है नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं, इसके बाद कंटिन्यू नहीं रहती, ये कंटिन्यू रहती है, ये देख ये जारी, और इसमें यहाँ गई खत्म हो गई, ऐ ना ले लो कितने साहब देखें ये वाली, ना 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 ये तो इधर को है, बात समझिए कि नहीं। तो ये लाइनें क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद ये लाइनें इससे बाहर नहीं निकलती, तो इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोफील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा 14वें चैप्टर में। क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्गर फील्ड, लाइनें जितनी क्लोज क्लोज होंगी इलेक्ट्रोफील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, कैसे, ये देखें लाइनें क्लोज क्लोज है ना यहाँ से, तो यहाँ पे जब यूनिट एरिया रखेंगे ज्यादा लाइनें नहीं गुजरेंगी इसके अंदर से, तो जितनी लाइनें क्लोज क्लोज होंगी आपस में उतनी लाइन ज्यादा गुजरेंगी यूनिट एरिया रखने से, उतनी इलेक्ट्रोफील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितनी लाइनें खुली खुली होंगी लाइनों का रश उतना
कम होगा, जितना रश कम होगा यूनिट एरिया रखेंगे उतनी थोड़ी लाइनें गुजरेंगी, जितनी थोड़ी लाइनें गुजरेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी, जितनी लाइनें क्लोज क्लोज होती हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे लाइनें क्लोज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे जाके लाइनें खुलती जा रही हैं, ऐसे ऐसे खुलती जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। लास्ट प्रॉपर्टी, ये पक्का कन्फर्म शार्ट क्वेश्चन आपको आना है, जो मैंने स्किप किया था वो ये कि किसी एक पॉइंट पर दो लाइनें नहीं हो सकती। ये शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म आपसे पूछेगा पेपर में कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं किसी एक पॉइंट पर ऐसे दो लाइनें क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट से दो लाइंस क्रॉस करके नहीं गुजरेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल ये पूछा जाता है ये क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, तो मैं आपको कहता हूं मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने फोर्स महसूस करनी है, वही है ना डायरेक्शन किधर बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर अगर फॉर एग्जांपल दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं हम ये मान लें, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है इस पर हम अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो किधर जाएगा, ये लाइन कहती है इधर जाएगा और ये लाइन कहती है इधर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इधर भी जा रहा हूं और साथ साथ इधर भी जा रहा हूं। आज तक आपने देखा हो एक कार इधर लाहौर रोड पे जा रही है और दूसरी तरफ मुल्तान रोड पे भी जा रही है, तो कोई चीज जो आप देखते हैं एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। बस ये है कि फिल्म ना कोई देख लें आप, हैं तो कोई भी चीज जो अपनी लाइफ में आप मूव करती हुई देखेंगे या वो इधर जा रही है या इधर जा रही है इधर जा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं इधर भी जा रहा हूँ साथ साथ इधर भी जा रहा है, ये तो कोई जिन्नात का अमल हो सकता है, इंसानों में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ एक पॉइंट पर दो एरो बनाने का मतलब है कि टेस्ट चार्ज यहाँ रखा, ये लाइन कहती है इसने इधर जाना है, ये लाइन कहती है इसने इधर जाना है, तो इसलिए लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा है वो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो एक चीज दो तरफ नहीं जा सकती, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इसमें भी कोई लाइन नहीं है जो क्रॉस कर रही हो, इसमें भी कोई लाइन नहीं है जो क्रॉस कर रही, इसमें भी कोई लाइन नहीं है जो क्रॉस कर रही हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स।